हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो ये है सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट हस्बैंड के लिए, क्योंकि कुछ और तो उन्हें खाना नहीं है प्रोटीन के अलावा। और ये रहा मटन कीमा जो मैंने काफी दिनों के बाद मंगाया था, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। आज बताओ दोस्तों, तो मैं भूल ही गई कि आज हस्बैंड ने मुझे साग बनाने के लिए बोला था और मैंने कीमा बना दिया। इसी चक्कर में उन्होंने बहुत थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि आज वो कार्डियो पे थे और कार्डियो पे कहते हैं कि कोई भी बल्किंग वाली चीजें नहीं खाएंगे, जिस दिन बल्किंग करनी होगी उसी दिन खाएंगे। तो गलती हो गई, इट इज माई बैड। शाम हो गई थी और हस्बैंड के आने का टाइम भी हो गया था। मैं वेट कर रही थी बाहर खड़े होके और मैंने पाया कि हस्बैंड तो आने ही वाले हैं, क्योंकि आज वो होली खेल के आएंगे। ऑफिस से इतनी होली खेल के आए, ब्लैक कलर की शर्ट पहन के गए थे और वो हरी होके आई है। सोचो कितना गंदा रंग लगाया होगा सब लोगों ने। मुझे तो होली वाली पसंद। तो आप सोच सकते हो कि अगर होली की पार्टी हुई है तो बहुत तरीके की पार्टी होती है, तो वही सब करके हस्बैंड आए थे और आके सीधे मुझसे पपीता मांगने लगे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आज तो छोटी लड़की का बर्थडे है, वो 1 साल की हो गई और मैं उसके बर्थडे में जा नहीं पाई हूँ, बाद में जाऊंगी। और ये पुराना वाला वीडियो है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे उसकी याद आ रही थी। तो छोटी लड़की की दादा दादी के यहाँ उसकी बहुत ही ग्रैंड पार्टी हुई है, बहुत सारे लोग गए हुए हैं और मैं उसकी याद में पागल हो रही हूँ। ये पुराना वीडियो देख लो कि कैसे मैं अपने कलेजों को ठंडक दे रही हूँ। ज्यादा तो कुछ और नहीं कहूंगी, आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते और तब तक के लिए लव यू।